नमस्कार दोस्तों, मैं साइली चाड़के और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, एक तरफ महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर आर्थिक संकट से मनपा को निकालने के लिए कटौती के कई सारे मार्ग आजमाते हैं, जिसमें ठेकेदारों के बिल ना देना या फिर कई सारे पूर्व टेंडर जो है वो रद्द करना या फिर प्रशासकीय खर्चों में कटौती करना, इस सारे मार्ग जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं। पर एक तरफ ये बात होती है तो दूसरी तरफ महानगर पालिका की एक गंभीर समस्या या फिर गंभीर लापरवाही जिसे कह लीजिए वो सामने आती है कि एक कंपनी को, एक स्पोर्ट्स कंपनी को स्पोर्ट्स लीग के लिए महानगर पालिका मनपा का जो सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड है वो 133 दिन के लिए किराए पर देती है, वो भी मुफ्त में। और उसका 133 दिन का किराया जो है लगभग 15 लाख के आसपास का ये जो किराया ये सामने आया है। 10 महीने से ये कंपनी जो है, ये इंटर लीग कंपनी, स्पोर्ट्स कंपनी जो है, उन्होंने ये किराया नहीं दिया है। ऐसे में दो बार जो है इसके लिए स्मरण पत्र भी दिए जाते हैं कंपनी को, इसके बावजूद भी जो है ये कंपनी ये किराया नहीं दे पाती। इस लापरवाही पर जो है जो आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट कृष्णा गुप्ता जी, इन्होंने आवाज़ उठाई। ये जानते हैं पूरा मामला क्या है। कृष्णा जी, आपने जो है इस पूरे मामले पर जो है एक अपडेट कह लीजिए, ये अपडेट भी लेने की कोशिश की, पर फिर भी जो है मनपा जो है इसके ऊपर कुछ भी जो एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रही। एक्चुअली देखिए, सितंबर 23 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड ऑफिसर नंबर 1 कंचन गायकवाड़ ने इस ग्राउंड का पूरे ग्राउंड का एरिया जो है वो रॉयल जेनुइन स्पोर्ट्स लिमिटेड इनको रेंट आउट कर दिया था। तो हमने रेंट आउट करने के बाद एक महीने का परमिशन दिया गया, वापस एक्सटेंशन एक महीने का किया गया। ऐसे एक्सटेंशन करते करते 133 डेज कॉर्पोरेशन ने रॉयल जेनुइन स्पोर्ट्स लिमिटेड को इंटरनेशनल क्रिकेट के नाम पे दे दिया। यहाँ पूरी की पूरी ग्राउंड ऑक्यूपाइड थी, पब्लिक को खेलने नहीं मिल रही थी उस समय। सेप्टेम्बर में ये हुआ, सेप्टेम्बर में हमने कंप्लेंट लॉन्च करी म्युनिसिपल कमिश्नर से, म्युनिसिपल कमिश्नर ने कॉग्निजेंस लिया और कंसर्न्ड कंपनी को नोटिस इशू करा कि आपको पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे भरने का इशू नवंबर 23 में होता है। तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर का दिसंबर 2018 का सर्कुलर है कि इस ग्राउंड को, सुभाष चंद्र बोस मैदान या इस तरीके के किसी भी गवर्नमेंट ग्राउंड को, एक साल में सिर्फ 30 दिन तक ही रेंट आउट किया जा सकता है। और एक साथ कंटिन्यूशन में करना है तो 12 दिन इज द मैक्सिमम पीरियड विच द कॉर्पोरेशन कैन रेंट आउट। बट इस स्थिति में क्या हुआ कि कॉर्पोरेशन ने जो रॉयल जेनुइन स्पोर्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है उसको 133 डेज तक कंटिन्यूसली इस ग्राउंड को ऑक्यूपाई करने दिया, यूटिलाइज करने दिया। और आज तक उसका पैसा 15,69,400 रुपीज़, तकरीबन 16 लाख के करीब है। आज तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा वसूल नहीं कर पाई है। मैंने 15 लेटर्स लिखे म्युनिसिपल कमिश्नर को, म्युनिसिपल कमिश्नर से रिमाइंडर नोटिस इशू किया कंपनी को, कंचन गायकवाड़ वार्ड ऑफिसर ने, उसके बाद स्वप्निल सावंत आए, उन्होंने भी किया, लोकायुक्त ने म्युनिसिपल कमिश्नर को सम्मन करा है कि इस मामले में आपने क्या कार्रवाई की है, स्पष्ट डिटेल रिपोर्ट लोकायुक्त को आप सबमिट करो। कॉर्पोरेशन हालांकि पैसे वसूल नहीं कर पाई है, इसके लिए लोकायुक्त को अपना आवाज़ सबमिट नहीं कर पा रही है। सर, आपने जो है इस पूरे मामले के बारे में जो आयुक्त जज संजय काटकर जी, उनसे कभी बात करने की कोशिश की या फिर उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार 10 महीने का कालावधि बीत चुका है फिर भी जो है किराया नहीं वसूल हो पा रहा है? हाँ, एक्चुअली एक साल हो गया, सितंबर 23 में रेंट आउट किया था, आज वापस सितंबर 24 है। कमिश्नर तो पॉजिटिव है, कमिश्नर पॉजिटिव है, इसके लिए नोटिस दो बार इशू हुई। तत्कालीन आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने भी इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखा था और इस पैसे को वसूल करने के लिए कहा था। कमिश्नर ने नोटिस इशू करवाई, बट क्या हो रहा है कि नीचे के जो अधिकारी इतने बदमाश है, वार्ड ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे फेल्ड हो रहे। अब असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, तीन लेयर सारे फेल्ड होने के बाद वापस कमिश्नर को बोलना, बार बार कमिश्नर एक मामले में कितना इंटरवीन करे, हर चीज के लिए कमिश्नर को टारगेट करना ये भी योग्य नहीं। इसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर से हमें उम्मीद है कि वो ये जो 15,69,400 रुपीज़ है ये तत्काल विद इंटरेस्ट वसूल करेंगे। ये जो पैसा है ये विदाउट इंटरेस्ट है। मैंने कमिश्नर से डिमांड करी है कि आप जो पैसा है पूरा का पूरा विद इंटरेस्ट वसूल करो उस कंपनी से, जिस कंपनी ने 133 डेज इस ग्राउंड को ऑक्यूपाई करके रखा। और उस वार्ड ऑफिसर के ऊपर भी आप एक्शन लो, कंचन गायकवाड़ के ऊपर, जिसने इलीगली इस ग्राउंड को रेंट आउट किया फ्री ऑफ कॉस्ट बोल के, जो वो कर ही नहीं सकते थे। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का वायलेशन है और तत्कालीन कमिश्नर के जो सर्कुलर है उसका भी वायलेशन है। इस पूरे मामले के बारे में हमने एमबीएमसी के अधिकारी अनिकेत मनोरकर से भी बात की तो उनका इस पूरे मामले पर ये कहना था कि ये मामला वार्ड ऑफिसर के अंडर आता है, मुझे इसके बारे में कुछ खबर नहीं, मैं उनसे जानकारी लेकर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं कि 133 दिन तक एक सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड जो है मनपा के अंडर आता है, वो किराए पर दिया जाता है, वो भी मुफ्त पर। इस पूरे मामले के बाद बात करने के बाद, कृष्णा जी से बात करने के बाद ये खबर सामने आती है कि मनपा कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है। इस पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई भी नहीं की गई है, बल्कि जब कोई आम आदमी टैक्स नहीं भरता है तब उसके पास जो है कई सारे लेटर दिए जाते हैं या फिर उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है या फिर एक्शन की जाती है। पर 133 दिन तक सुभाष चंद्र बोस
ग्राउंड जो है किराए पर दिया जाता है और फिर भी उस कंपनी के ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया जाती। इससे कई सारे सवाल मनपा के ऊपर भी उठते हैं कि क्या ये जो मनपा आयुक्त है या फिर मनपा जो है कहीं ना कहीं ठेकेदार की साइड लेते हुए नजर आ रही है या फिर कहीं ना कहीं उससे जुड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट ओंकार सावन के साथ मैं साइली चारके एमबी लाइव।